इफ यू गाइज आस्क फ्रॉम मी व्हाट इज द बेस्ट फेस वॉश फॉर एक्नीज एंड स्कार्स एंड व्हाट इज द बेस्ट फेस वॉश फॉर हाइड्रेटिंग एंड ब्राइटन अप स्किन, आई ब्लाइंडली सजेस्टेड यू गाइज दिस फेस वॉश. इट्स बीन वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश. दिस इज द गेम चेंजर फॉर मी. इट हैज रियली अमेजिंग रिजल्ट ऑन माई स्किन. के यार मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ ना उतनी कम है. सो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस ब्रांड का फेस वॉश है, आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन पे आपको इतने बेनिफिशियल रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं. उसके अलावा किस किस स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट है, और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात कैसे यूज़ करना है. अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे. तो मेक श्योर आप वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा. मैं आपको जिस मेथड से बताऊंगा आप लोगों ने उसी तरीके से इस फेस वॉश को यूज़ करना है, एंड देन दिनों में आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होगी. सो मेक श्योर आप वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना और कोई भी पार्ट स्किप ना करना. आप लोग वीडियो को बीच में से स्किप कर देती हो और फिर कोई ना कोई क्वेरी आपकी रह जाती हो, फिर आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हो सर ये क्या वो क्या, जबकि मैं ईच एंड एवरीथिंग को पहले ही वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हुआ था. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल यट, प्लीज प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई पोस्टेड द वीडियो. सो द फेस वॉश विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज बाय द ब्रांड ला रोशे पोसे. इज देयर अ फेकलियर प्योरीफाइंग फॉर्मिंग जेल क्लींजर. बेसिकली इट्स अ फ्रेंच ब्रांड और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज्यादा हाइप है. इनकी प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट आज तक मैंने कभी भी इनके प्रोडक्ट को ट्राई आउट नहीं किया था, बिकॉज पाकिस्तान में श्योरिटी नहीं होती कि आपको इनके प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनल मिल रही है कि नहीं, बिकॉज चाइना बहुत ज्यादा कॉपीज में आता है और जो सारी कॉपीज है वो पाकिस्तान में डिलीवर करता है. सो यू नेवर नो यू आर बाइंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट. सो ये जो प्रोडक्ट है मुझे मेरे एक क्लोजेस्ट फ्रेंड वहां से आ रहा था, तो उसने मुझे गिफ्ट की थी, और जब से मैंने इसको यूज किया तो मैं इसका फैन हो गया, और मुझे कह रहा हूँ भाई तो दोबारा जाओ और वापस मेरे लिए फेस वॉश लेकर आ. अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने प्रोडक्ट को बाय करना है उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के बाय करना है, कि यार जिस कंसर्न के लिए आप उस फेस वॉश को या किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो उसमें वो इंग्रेडिएंट हैं कि नहीं जो आपके स्किन के कंसर्न्स को ट्रीट करें. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कंटेन 2% सैलिसिलिक एसिड. एज यू गाइस नो सैलिसिलिक एसिड इज अ गेम चेंजर इफ यू हैव अ ऑयली स्किन, इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, और आपको ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स या सीबम, ओवर सीबम प्रोडक्शन का इशू है. सैलिसिलिक एसिड बेसिकली इज एन ऑयल सोलबल इंग्रेडिएंट. ये डीप आपके पोर्स में जाता है, आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके पोर्स को श्रिंक आउट करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है इफ यू हैव अ क्लॉग पोर्स इशू, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है. अगर आपकी स्किन को आपकी स्किन ब्लॉक्ड हो गई है, ब्लॉक इन अ सेंस के आपकी स्किन के ऊपर ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम की वजह से आपको ओपन पोर्स का इशू हो गया है, या आपकी स्किन के ऊपर आपको क्लोस्कोमिडोन्स का इशू हो गया, तो स्पेसिफिकली ये जो फेस वॉश है उसके लिए बेस्ट है. आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करते हैं, ना कि ओवरली एक्सफोलिएट करते हैं, और आपकी स्किन के हर एक कंसर्न को ट्रीट करते हैं. स्पेसिफिकली इफ यू आर डीलिंग विद एक्नीज, स्कार्स, क्लोस्कोमिडोन्स, डेड स्किन सेल, उसके लिए तो बेस्ट अमेजिंग वर्क करते हैं. नेक्स्ट, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड एज यू गाइस नो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके स्किन के ऊपर आपको इन्फ्लेमेशन अगर हो चुकी हुई है उस पर वर्क करता है. अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू, अगर आपको डबल टोन का इशू है, ये उस पर वर्क करता है. नेक्स्ट, इट कंटेन माय अदर फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट व्हिच इज नायासिनामाइड. नायासिनामाइड भी आपके स्किन के ऊपर ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम पे वर्क करता है. अगर आपको ओपन पोर्स का इशू, उस पर वर्क करता है, आपके पोर्स को श्रिंक आउट करता है. सो नेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विच इज सोडियम बेंजोनेट. सोडियम बेंजोनेट हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे हमारे एक्नीस तो ट्रीट हो जाते हैं, बट जैसे हम उस प्रोडक्ट का कंटिन्यू डिसयूज करते हैं तो वापस से हमारे एक्नी बनना स्टार्ट होते हैं. बट जो सबसे अमेजिंग बात है इस फेस वॉश की, सोडियम बेंजोनेट ये क्या करता है कि आपकी स्किन को फ्यूचर में प्रिवेंट करता है होने वाले बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से. बिकॉज एज आई सेड बिफोर, इट हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज. सो ये डीप आपकी स्किन में जाता है और आपकी स्किन में पैदा होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी चांस ना हो कि आपकी स्किन के ऊपर या तो आपको एक्ने स्कार्स का इशू हो या ओपन पोर्स वगैरह का इशू हो. सो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी अमेजिंग है, इन लोगों ने सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट को एज सच कंबाइन किया गया है, और ये इट्स लाइक मैजिक इन अ बॉटल है. ये सीरियसली ये दिनों में आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करेगा.
सो एज यू गाइज नो आई हैव सुपर ऑयली स्किन, तो मेरे लिए तो एक गेम चेंजर है। इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट है जो मेरी स्किन को सूट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन, बहुत ज़्यादा जेंटल फॉर्मुलेशन है। समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग अपना फेस वॉश करते हो, स्विकी क्लीन फील आती है कि ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पर कोई मॉइस्चर ही नहीं रह गया, आपकी स्किन ना सहारा डेजर्ट बन गई, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। सबसे अच्छी बात है इस फेस वॉश की, आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। मींस अगर आपको ओवरली सीबम प्रोडक्शन का इशू है, आपके सीबम को भी कंट्रोल करता है, बट ऑन दी अदर हैंड आपकी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करता, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है और हाइड्रेट भी रखता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। इफ यू हैव अ सुपर ऑयली स्किन, आपके लिए एक ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है। देर इज नो बेस्ट फेस वॉश अदर देन दिस इफ यू हैव अ सुपर ऑयली स्किन। अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन उसके लिए भी अच्छा वर्क करता है, बट एज सच मैं इतना कह नहीं सकता ड्राई स्किन के बारे में, बिकॉज पर्सनली आई हैव अ सुपर ऑयली स्किन, तो मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है विद सेंसिटिव स्किन। इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन और आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करती है, कोई भी आप फेस वॉश करते हो, आपकी स्किन पे आपको इरिटेशन होने लग जाती है, आपकी स्किन पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल फॉर्मूला है। इवन इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, ये फिर भी आपकी स्किन पे बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ प्राइस के लिहाज से, आपको ये प्रोडक्ट थोड़ी ओवर प्राइस फील होगी, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान। सो प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल आती है तो उन पर टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, प्रोडक्ट वैसे ही बहुत महंगे जाती हैं। बट ऑन दी अदर मैं कहूँगा कि इट्स लाइक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार आप बोतल के साइज पे देखो, बोतल कंटेन 400 ml ऑफ फेस वॉश। जो पाकिस्तानी मार्केट में आप फेस वॉश लेते हो वो प्रोडक्ट कंटेन एटलीस्ट 100 to 150 ml बोतल। एंड इट्स बीन लाइक कि मैं यूज करूँ तकरीबन 6 months से, और अभी भी देख लो कि मेरी पूरी बोतल फिनिश नहीं हो गई, लाइक एक क्वार्टर रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फेस वॉश को यूज कैसे करना है, बिकॉज इट कंटेन माइक्रो एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट 2% सैलिसिलिक एसिड। तो आप लोगों ने कभी भी इस फेस वॉश को डेली बेसिस पे यूज नहीं करना। इफ़ यू हैव अ सुपर ऑयली स्किन, आप लोगों ने इसको अल्टरनेट डेज पे यूज करना है। इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, आप लोगों ने 2 दिन बाद इसको यूज करना है। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, तो आप लोगों ने सिर्फ वीक में इसको 2 दफा यूज करना है। इट्स लाइक ये आपकी स्किन के लिए ओवरऑल पैकेज है। अगर आप इसको डेली यूज करोगे तो ये आपकी स्किन को ओवरली एक्सफोलिएट कर देगा। सो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की बजाय आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट को राइट तरीके से यूज करो, जिस लिहाज से मैंने आपको बताया, उस स्किन टाइप के कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप उन डेज के अकॉर्डिंग यूज करो, तो आपको सुपर अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इफ यू बिलीव इन माई ओपिनियन, एक दफा इस फेस वॉश को यूज करके देखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द ग्रोथ, आप लोग मुझे प्रमोट नहीं कर रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि आई नीड योर सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैं काफी मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, प्रोडक्ट को टेस्ट एंड ट्राई करता हूँ, तभी आप लोगों के साथ ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।